फ्रेंड्स, गोल्फ शॉट 18 होल रिसेंटली लॉन्च हुई है और ये व्हिस्की तहलका मचा रहा पैन इंडिया में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक अच्छा कॉकटेल बनाया जाए। तो आइए आज गोल्फ शॉट से एक कॉकटेल बनाते हैं। पहले आपको एज यूजुअल एक बेस्ट ग्लास चाहिए, तो मैंने ना इस टाइम पे ओल्ड फैशन जैसा एक ग्लास ले लिया और यहाँ पर मैं दूंगा लाइम चंक। ये रहा वो लाइम चंक, और लाइम चंक मतलब लेमन को या लाइम को काट के छोटा छोटा हिस्सों में डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका लाइम चंक। और ये लाइम चंक मैं इसमें डाल दूंगा, याद रखिएगा कि होल लाइम का चंक मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब आपको देने क्या होंगे, पुदीने, पुदीने के पत्ते, और ये क्या कमाल की खुशबू छोड़ती है, पुदीने मतलब मिंट लीव्स है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करके लिया, तो मैं ना पूरा ही डाल दूंगा ये मिंट लिप्स। मुझे ना ये कॉकटेल में मिंट लिप का जो खुशबू है बहुत ज़्यादा चाहिए। अब ये दे देने के बाद आपको ऐसे कुछ बेलन चक्की घर में है ना, तो ले लीजिए, इसको बोलते हैं मॉडरेट। तो मैं इसे थोड़ा सा मॉडरेट कर दूंगा, जैसे हम लोग घर में मोहितो बनाते हैं ना वैसे ही कुछ, बट यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, तो देखते रहिए, मज़ा आ जाएगा। ये मॉडल करने का एक ही मकसद है कि इसका जो खुशबू है, इसका जो एरोमा है मिंट लीफ का और ये जो लाइम का, ये निखर के आए, और लाइम का जो एसेंशियल ऑयल है ना, वो जो थोड़ा बिटर टेस्ट करती है ना, वो निकल के आए, इसीलिए मॉडल किया जाता है। अब मॉडल करने के बाद मैं यहाँ पर दूंगा मैथ्यू टेसर का सिनेमन सिरप। ये ना इस व्हिस्की कॉकटेल में एक बहुत अच्छा खुशबू को जोड़ेगा, और वो है सिनेमन का खुशबू। और ये एक फाइल ले लीजिए, बहुत काम का चीज़ है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और ये सिनेमन मैट्रोटेसर का सिनेमन सिर्फ आपको सिर्फ 3 ml देना है, सिर्फ 3 ml, छोटा सा पान, दैट्स ऑल। अब इतना ही काफी है, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस एरोमा के साथ आते हैं, तो मतलब पुश करने के लिए एकदम बेस्ट आइटम है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बनाऊंगा आज गोल्फर शॉट से, तो ये रहा वो गोल्फर शॉट व्हिस्की। बाय द वे, ये है 18 होल, एक नया व्हिस्की, तो इसको मैं डालूंगा अराउंड 60 ml में डालूंगा। तो चलिए पोर करते हैं। हो गया व्हिस्की। अब इस पूरे कॉकटेल को एक अलग डायरेक्शन देने के लिए मैं यूज करूंगा जिंजर जूस। ये देखिए, ये जिंजर जूस जो है, मैंने थोड़ा सा पीस लिया जिंजर को, थोड़ा सा पानी ऐड करके एंड देन पिसल के उसको स्ट्रेन कर लिया, तो ये जिंजर जूस बन गया। इसको आपको देना है सिर्फ और सिर्फ 3 ml, और ये ना बहुत ही वर्सेटाइल बना देगा इस कॉकटेल को। हो गया। अब इसको थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं, मिला लेते हैं। अब इसमें भरपूर आइस चाहिए आपको, तो मैं आइस लेकर आता हूं। आ गया है लॉट्स ऑफ आइस। कॉकटेल हमेशा आइस के साथ, मतलब बहुत सारे आइस के साथ बनाना चाहिए। आइए इसके बाद इसमें पोर करते हैं सोडा। तो ये टॉप अप के तौर पे आप इसको देंगे, तो ये परफेक्ट बैलेंस एक कॉकटेल बन जाएगा, जैसे कि मैं कर रहा हूं। और अब ये बन जाने के बाद आपको यहां पर देने पड़ेंगे गार्निश। अब देखिए, यहाँ पर सिनेमन का ट्विस्ट ऐड हुआ है, तो सिनेमन हम लोग दे सकते हैं। साथ साथ ये बना है मिंट लिप से, तो मिंट भी आपका प्राइमरी चॉइस हो सकते हैं। तो आइए पहले मैं मिंट दे देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मिंट का स्प्रिंग है, मैं ये स्प्रिंग को ले लूँगा, मतलब मिंट का जो ऊपरी हिस्सा है ना, ये वो वाला चीज़ को मैं ले लूँगा, थोड़ा सा ये फ्रेश मिंट। अब ये लेने के बाद आप इसको ऐसे एक जगह ले लीजिए, ऐसे, ये देखिए। अब फ्रेश मिंट को आप एज ए गार्निश दे सकते हैं, बट बिफोर दैट मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, तो इसमें ना खुशबू चिपक जाएगा मिंट का। तो ये मैंने मिंट डाल दिया यहाँ पर, और मैं एक सिनेमन देना चाहूँगा। ये देखिए, सिनेमन स्टिक, मतलब दालचीनी का स्टिक, तो ये दालचीनी का स्टिक भी मैं यहाँ पर आहिस्ता करके डाल दूँगा, ऐसे पीछे आप आराम से डाल सकते हैं। तो ये बन गया आपका कॉकटेल।
बाय द वे इस कॉकटेल का नाम मैंने रखा है गोल्फर शॉट सिनेमन एंड मिंट ट्विस्ट। आपको अच्छा लगा, नहीं लगा तो आप कोई नाम सजेस्ट कर दो, जो मैं रील में बनाऊंगा उसी नाम को इस्तेमाल करते हुए। चलो टेस्ट करते हैं बाय द वे कैसा बना है ना। गोल्फर शॉट विस्की का पंच है, साथ में मिंट लेमन एंड सिनेमन का एक अद्भुत ट्विस्ट। बहुत ही अमेजिंग बना, बहुत ही अच्छा बना। आप भी बनाइए घर में और मुझे लिखिए कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई, अपना कॉकटेल है हमेशा अच्छा ही लगता है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।